नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। मूरतगंज पशु मेला आयोजक ने भदरी के राजा उत्तर प्रताप सिंह पर जबरन जमीन हथियाने का लगाया आरोप। यूपी के कौशाम्बी जिले के मूरतगंज मेला बाग की बेशकीमती भूमदरी जमीन पर जबरन हथियाने का प्रयास किए जाने का पशु मेला कमेटी के प्रबंधक के पुत्र और कमेटी के उपाध्यक्ष अनुज सिंह ने प्रतापगढ़ जनपद के राजा उदय प्रताप सिंह पर आरोप लगाया है। सिंह ने भदरी के राजा उदय प्रताप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे स्वर्गीय पिता राणा प्रताप सिंह की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 2016 में फर्जी तरीके से खसरा में नाम चढ़वा लिया था, जिसके बाद 2018 में खसरा से राजा उदय प्रताप सिंह का नाम खारिज कर पुनः नाम चढ़ाया गया। गुड्डों के दम पर बेशकीमती जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास पर कोकराज थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जमीन के सभी कागजात होने के बावजूद उक्त दबंग एवं शौर्य पुष्ट व्यक्ति गुड्डों के बल पर जमीन हथियाना चाह रहे हैं। अनुज सिंह ने शासन और प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। ये जमीन हमारे बाबा जी ने मुनुआ जी टंडन बाइका बाग के रहने वाले इलाहाबाद के थे, उनसे अपने तीन लड़कों के नाम भूमिधरी जमीन को 17 जुलाई 1961 में खरीदा था। उसके बाद से एक बार 63 या 64 में चकबंदी हुई, तो चूंकि ये जमीन दो रोडों के बीच में इसलिए ये चकआउट थी। उसके बाद से करीब 51-52 साल से इस पे पशु मेला जिला पंचायत तो और जिला अधिकारी की अनुमति से लगता चला आ रहा था। अभी पिछले वर्ष कोविड की वजह से डीएम साहब जो थे उन्होंने बोला कि इस बार मेले की अनुमति सरकारी गाइडलाइनों की वजह से नहीं दी जा सकती, तो हमने उसकी सूचना दी थी, उसका भी पेपर है हमारे। 2016 में कुंडा भदरी के उदय प्रताप सिंह ने जब चकबंदी चल रही थी तो इसमें अब डरा के धमका के या पैसे के दम पे चकबंदी लेखपाल से अपना कब्जा इस पे चढ़वा दिया। 2016 से सीओ चकबंदी के यहाँ यह मुकदमा चलता रहा कब्जे का। 2018 में वो खारिज हो गया, लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो, मतलब क्या उनका अभी विश्व हिंदू परिषद में कोई पद उत पे है क्या है, ये हिंदूवादी संगठनों से यहाँ प्रशासनिक लोगों पे दबाव बना बना के बेवजह जो है हमको परेशान कर रहे हैं। कहीं 10-10 असलाहे वाले आदमी यहाँ भेज देते हैं, कहीं हमारे लोगों को मारते हैं, कहीं जोता खेत ट्रैक्टर से बोया खेत जोतवा देते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की हम अपनी शिकायत दे चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे, सबका हमारे पास प्रूफ है, लेकिन जब भी उसकी जांच आती है यहाँ से लिख दिया जाता है कि इनका जो है चकबंदी में विवाद है और उसका हमको कोई हमारा मतलब हमको कोई उसका मतलब मदद नहीं मिल रही सरकारी की। हम दौड़ते दौड़ते एकदम थक गए हैं, लखनऊ बहुत बार गए हैं, लखनऊ जाते थे तो कोरोना का कि मुख्यमंत्री जी किसी से मिलते नहीं हैं, आप अपना चिट्ठी बक्से में डाल दीजिए, बक्से में डाल दो, यहाँ जांच में आता है तो यही लिख के भेज दिया जाता है कि इन लोगों का चकबंदी में विवाद हुआ। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अगर किसी तरह का जमीन में कोई विवाद है तो न्यायालय तय करेगी उसको।